अच्छा आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भिकमंगे चोर जेब कतरे और साले चप्पल चोर छपरी यूट्यूबर जो कि मैं नहीं हूँ अपने हाथ में कटा हुआ सेब वाला मोबाइल रखते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये साले चप्पल चोर भिकमंगे बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले लड़के हैं और वे उनसे पट जाएं। बात सही है। तो बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर मेरी इसी कोशिश को कामयाबी में बदलने के लिए मुझे भी जरूरत थी एक कटे सेब वाले मोबाइल की। जोक्स असाइड, यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मुझे भी जरूरत थी एक आईफोन की। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत फाइनली आज मैं जा रहा हूँ नया आईफोन लेने। तो सबसे पहले मैं अपना बैग रेडी करता हूँ। अपने बैग में मैं डालता हूँ पानी की बोतल, रात को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर, डॉक्यूमेंट वाली फाइल इनकेस अगर जरूरत पड़े तो, आईफोन खरीदने के लिए एक किडनी और हाँ उसका चार्ज अलग से खरीदने के लिए किडनी स्टोन्स। पता नहीं आज मेरी बॉडी हल्का हल्का फील क्यों कर रही है। अब किसी बड़े काम को करने से पहले जरूरत होती है भगवान से आशीर्वाद की, पर मेरे रूम में तो एक भगवान की फोटो तक नहीं है। तो मैं अपना सैमसंग का मोबाइल निकालता हूँ और उसमें अपने मम्मी पापा और दादी के वर्चुअल चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ एनटीबी की तरफ, जहाँ मुझे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। लिटरली घर से मैसेज आ रहा है कि कब जा रहे हो लेने। चलो बैठो। इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं डीबी मॉल की ओर। तो डीबी मॉल पहुंचकर सबसे पहले हम लिफ्ट का केबल इस्तेमाल करके, क्योंकि विश्वास का तो जमाना ही नहीं रहा, तो पहुंच जाते हैं सेकंड फ्लोर, जहां हम अपनी 11 नंबर की बस पकड़कर पहुंच जाते हैं रिलायंस डिजिटल, जहां एंट्री मारते से ये एम्प्लॉय इशारों में हमारा कैमरा बंद करवा देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ आईफोन के प्राइस ऑनलाइन से काफी ज्यादा थे तो इस कारण हम पतली गली से निकल लेते हैं और आ जाते हैं एप्पल के ऑफिशियल स्टोर पर। यहाँ भी कैमरा बंद करवा दिया जाता है और यहाँ भी फोन की प्राइस ऑनलाइन से काफी ज्यादा थी। तो फिर हम यहाँ से पतली गली से निकल जाते हैं। हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, इसलिए हम वापस हॉस्टल आने लगते हैं। तभी हमारे एक विश्वसनीय दोस्त से हमें एक रिटेल शॉप के बारे में पता चलता है, जहां मुझे आईफोन 14 256 GB लेना सही डिसीजन लगता है मेरे बजट के अनुसार। इसलिए हम वो ऑर्डर कर देते हैं और थोड़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। कर दो अनबॉक्सिंग कर दे। आजा आजा। अरे अरे आना भाई। यस को आईफोन 14 अदा करने का वचन देता हूँ। नहीं अच्छा पैसा तू पेमेंट तू करेगा। जीपे कर देंगे। क्या बात करी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। जीपे चैम्बर कहाँ है? असली है ये लोडा। तो इसकी सुरक्षा के लिए ग्लास और कवर लगवाने के बाद हम प्रस्थान करते हैं मंदिर की ओर, जहां हम फोटो खींचकर इसकी क्वालिटी चेक कर ही रहे होते हैं कि तभी वो भागा ले गया। फिर दिलीप और कंटेंट प्रसाद लेकर आते हैं। फिर हम सभी अपनी पहली अचीवमेंट के लिए भगवान के चरण स्पर्श करके थैंक्स बोलते हैं। इतने में स्मार्ट बॉय देवेश आर्यन दा टॉपा मतलब टॉपर के साथ आ जाता है। 14 अरे हां भाई क्या लाया लौंडा। iPhone 14 है भाई। अबे कल तो एडसेंस आया था इसका। तो वीडियो भी इसी से बना। पर हां अभी लिया। हां भाई भाई किडनी में दर्द हो रहा है। नहीं भाई सेल फंड। अरे जलवा है हमारा। हां विश कर दो भाई। बहुत बहुत बधाइयां भाई तुमको। मैं आशु को आईफोन देखने के लिए देता हूं पर इसलिए थोड़ी ना दिया था भाई। आशु ऐसे थोड़ी ना करते हैं यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। थैंक्स फॉर द गिफ्ट ब्रो। चलते हैं। बाय ब्रो। थैंक्स बोल के सीधे निकल लिए। अबे रुक जा सच में ले जा रहा है क्या? ये फंस गया। फिर मैं बाबला होकर उसके पीछे भागता हूँ। हाँ भाई देख ले तू देख ले कोई दिक्कत। देखना अरे रात को लेके आऊंगा। पक्का लेके आऊंगा अभी दे दे। इसके बाद मेहमान आपको उसके अपाची की चाबी देकर थैंक्स बोलता हूँ और उसे अपना आईफोन दिखाता हूँ। माना बस चाबी और थैंक यू। अरे मतलब दिया नहीं देख लेता आपको। अरे भाई इसके बाद मैं अपने हॉस्टल जाता हूँ। भाग क्यों रहा है? अरे सुन तो अच्छी न्यूज है। अब मुझे सबसे बड़ा डर अपने रूममेट अभिजीत से लगने लगा था, क्योंकि मैं उसे आईफोन लेने अपने साथ ले जाना भूल गया था, इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। अरे अरे दिखा ना भाई अभी गुस्सा पिघल जाएगा। ले ले ये 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 तू ला बचा के रखा था मैंने। अरे ये देख। अरे भाई अरे वो अभी भाई पहले दिन स्क्रीनशॉट टूट गया। अच्छा नहीं लगेगा इससे। इसका मूड कम मिट्टी कर दे भाई। माफ कर दे भाई प्लीज। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। मुझे छुट्टी दे दे अभिजीत। सारी प्लानिंग रोहित की है भाई। भाई अबे अबे हाथ में तो पकड़। सारी प्लानिंग रोहित की है भाई। बीच में बोल। तू सो रहा था भाई। वेंटिलेटर पे था मैं उठ ही नहीं सकता था। ये है आम जिंदगी। बड़ी ही दुविधा थी पर मैंने सोचा हटाओ यार लड्डू पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। इसके बाद से तो मैं पूरे हॉस्टल को अपना आईफोन दिखाते घूमता हूँ। शुरुआत करते हैं पहले रूम से। तूने बताया क्यों नहीं? कुछ तो इसी के लिए जा रहा था। मैं भी चलता। अरे भाई मेरे को भी ले गया।
कहाँ चल नहीं रहा? अरे मतलब चल ही नहीं रहा, मतलब खुला नहीं ना। मेरा काली मेरा पेमेंट जब आया ना सीधा लेने चला गया। कल पेमेंट आया था, आज लेने चला। कितना पेमेंट आया? ये बातें बताई नहीं जाती। पार्टी मिलेगी ना, ऑलमोस्ट किडनी बेचते बेचते बचाऊंगी। आईफोन को देखते देखते मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, इसलिए मैंने इसका नाम प्यार से फगुनिया रख दिया। फगुनिया, तू तो हमारी जान है रे, हम तोरा को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। क्या बताएं कितना चाहते हैं, इतना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा। फिर बालकनी से जाकर मैं नीचे खड़े लोगों को आईफोन दिखाकर बिना पेट्रोल के जलाने की कोशिश करता। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट अप, ये देखो नया वाला आईफोन। इसके बाद मैं मराठी बॉय के रूम में जाता हूं और उसे अपना आईफोन दिखाता हूं। इतना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। तुमने आईफोन लिया, दिखाया नहीं यार। ठीक है भाई, आप भी देखो। कौन सा है? 12 14 14 अरे भाई साहब, ये भी गिफ्ट में मिला क्या? आपने ही लिया भाई, ऐसे गिफ्ट देने वाले मिल जाए मुझे। यू आर अ चालाक ब्रो। ये देखो भाई, हम लोगों का ऐसा फोन होता है इस टाइप का, और ये बड़े लोगों का फोन इस टाइप का। इतना बड़ा आदमी बन गया है तुम। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आईफोन चीज बढ़िया है, खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। पर हाँ, हर आईफोन रखने वाले की जान इसमें बचती है, इसे जरा सी चोट के लग जाए रखने वाले पर हार्ट अटैक आने में जरा भी देर नहीं लगती। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।